हेलो एवरीवन, वेलकम टू जायकी का खजाना। रोज एक ही स्टाइल में सब्जी बना बना कर हम बोर हो जाते हैं, तो इसलिए आज मैं एक नए स्टाइल में भिंडी आलू की सब्जी बता रही हूँ। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनती है और बहुत ही बेसिक मसालों से बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भिंडी और आलू को मैंने अच्छे से कट कर लिया है धो करके, और अब हम देखिए इसको सारे अपने हिसाब से टुकड़ों में कट किए हैं। आप भी अपने हिसाब से इसे कट कर लीजिए, लेकिन अगर यही शेप में कटेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बस इसमें हल्दी और नमक डाल रही हूँ और बहुत अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। हर जगह पे हल्दी नमक लग जाना चाहिए। ये खाने में बड़ी अच्छी लगती है, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं लगती है, तो ज़रूर बनाए एक बार। बस कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है, ये ऑयल अपने ऊपर है, कौन सा लेना है आपको। आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जीरा और थोड़ी सी मेथी डाल दिया है। अब यहाँ मैंने आलू को अच्छे से फ्राई करने के लिए डाल दिया है। आलू के टुकड़े काफ़ी बड़े बड़े थे, इसीलिए वो इजीली भिंडी में से बाहर आ गए हैं। अगर आपको अलग अलग मैरिनेशन करना है हल्दी नमक से, तो आप अलग अलग कर सकते हैं। बस अब भिंडी डालना है और उसको अच्छे से सौते करेंगे। ये भी 2 से 3 मिनट के लिए सौते करना है। भिंडी पर थोड़ा थोड़ा सा दाग आना चाहिए ब्लैक, तो उस तरह से पैच बने, इसलिए थोड़ा सा से सौते करेंगे और इसकी चिक चिकपन मुझसे निकल जाती है। तो एक बार ज़रूर बनाए, बड़ी अच्छी और यम्मी लगती है। ये देखिए तैयार हो गया है हमारा, भिंडी फ्राई हो गया है यहाँ पर। बस अब यही कढ़ाई में हमें इसका तड़का लगाना है, मसाला भूनना है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे, उसमें थोड़ा मेथी दाना, थोड़ा ज़ीरा और हल्का सा राई, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो बस इसे फ्राई कर लिया थोड़ा सा, और एक दो दाल तेज पत्ता डाल दिया, और लाल मिर्ची, एक लाल मिर्ची बीच में से 2 टुकड़ा करके, इसका फ्लेवर बड़ा ही अच्छा आता तड़के में। और वही बेसिक मसाले हमारे, प्याज है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और उसमें मैंने थोड़ा सा टमाटर डाल दिया था। अब यहाँ वही बेसिक मसाले डाल रहे हैं हम, हल्दी नमक मिर्च धनिया पाउडर, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनता है। ये भिंडी की सब्ज़ी बहुत प्यारी लगती है, ये शादियों में बनती है ना, वही स्टाइल है। ये गरम मसाला पाउडर, बस और कुछ नहीं डालेंगे। मुझे लग रहा था कि मिर्ची थोड़ी कम है, इसलिए मैंने थोड़ी और मिर्ची डाल दी। आप जैसे तीखा खाते उस हिसाब से अपने मसाले बना सकते हैं। ये मसाला भुन गया है, ऑयल और मसाला अलग अलग हो गया है। जब मसाला भुन जाता है ना, तो ऑयल अलग से रिलीज़ कर देता है, तो जब भी आप समझ सकते हैं कि मसाला भुन चुका है। बस फिर क्या, मैंने भिंडी और आलू को डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ये देखिए। और 1 से 2 मिनट और इसी तरह हम पका लेंगे, ताकि जो भी अगर कसर रह गई है तो बन जाए। अब थोड़ा सा इमली का मैंने यहाँ पर पल्प ले लिया था, और उसका बहुत ही हल्का स्वाद, इसका खटास बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन खाने में बड़ा ही मज़ेदार लगता है। देखिए दिख रही है ना कितनी यामी यामी सी, तो ये रोटी के साथ, दाल राइस के साथ, जैसे खाना चाहे पराठों के साथ, बड़ी प्यारी बड़ी टेस्टी लगती है। भाजी हमारी रेडी हो गई है, ये देखिए कहीं कहीं पे हमने भिंडी को ये जो दाग दिए थे, काफ़ी अच्छे लगते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगता है। तो एक बार ज़रूर बनाएं, खाएं और इसका मज़ा उठाएं, और अपने अपने कमेंट मुझसे ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।